दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज के स्पेशल सेगमेंट बगिया के फूल में आज हम बात करेंगे प्लांटेशन की। जैसा कि बरसात का सीजन चल रहा है और किस तरह के पौधे इन दिनों लगाए जाने चाहिए, इस साल सरकार के द्वारा भी यह प्रयास किया जा रहा है कि धरती को हरा भरा करने के लिए एक पौधा जरूर लगाएं। हर व्यक्ति के द्वारा एक पौधा लगाने की मुहिम है, ये सरकार की तरफ से है, लेकिन नर्सरी के द्वारा भी किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, नर्सरी में इन दिनों किस तरह की रौनक प्लांटेशन को लेकर के देखी जा रही है, किस तरह के पौधों की डिमांड की जा रही है, लेकिन नर्सरी वालों के तरफ से किस तरह से इस अभियान में चार चांद लगाए जा रहे हैं। बड़ौदा नर्सरी पर हम पहुंचे और यहीं से बगिया के फूल कार्यक्रम में इस स्पेशल सेगमेंट में अरविंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जानेंगे किस तरह की इस मुहिम को लेकर लोगों में खुशी दिखाई दे रही है और किस तरह के प्लांटेशन की बात की जा रही है। तो अरविंद से ही जानते हैं मोटी बातें क्या होनी चाहिए। प्लांटेशन तो आप कर रहे हैं, लेकिन कौन से पौधे हैं जो लगाए जाने चाहिए और किस तरह के पौधे आपको जीवनदान देते हैं, सभी बातें हम जानते हैं। देखिए, सरकार की अपनी मुहिम है और धरती को हरा भरा करने के लिए, जैसा कि हम पर्यावरण को लगातार दूषित होते हुए देख रहे हैं, तो धरती को हरा भरा करने के लिए एक पौधा इस बार हर व्यक्ति के द्वारा लगाए जाने की बात की जा रही है। लेकिन हमारी तो मुहिम है ऑलरेडी चल रही है बगिया के फूल, और अगर आप मंदिर भी जा रहे हो तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप प्रसाद के साथ साथ भगवान को पौधे जरूर अर्पित करें। अब सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करेंगे, सरकार ने तो अपनी तरफ से मुहिम चलाई है, नर्सरी में इस बार क्या देखने को मिल रहा है? नमस्कार उदयपुर वासियों, सबसे पहले फर्स्ट बात यह है कि उदयपुर वासियों के लिए ये स्पेशल है कि अगर कोई आता है तो अपनी तरफ से हम एक पौधा फ्री देते हैं जिसका नाम है अपराजिता जी। फर्स्ट बात यह है कि अभी बारिश के सीज़न में जैसे कि आपके चमेली हुई, मोगरा हुआ, रात रानी हुई, ये सारे पौधे लगाए जा रहे हैं। सबसे स्पेशल है अभी है ना शमी का पौधा। शमी का पौधा सबसे बेस्ट माना जा रहा है, सावन का महीना है और सबसे बेस्ट वही शमी पत्र। एक शमी पत्र लाखों बिल पत्र के बराबर होता है, यानी कि जो धार्मिक भावना के तहत हम इसका महत्व देखते हैं तो शमी पत्र का महत्व घर में बहुत ज़्यादा है। अब आपने शमी पत्र की बात निकाली तो ये जो दूसरे कल्प वृक्ष भी है, बेलपत्र भी है और धार्मिक पौधे हैं और भी क्या क्या, लेकिन आज के टाइम में सबसे प्रिय है शमी पत्र। शमी पत्र श्रावण मास भी चल रहा है, ये सबसे बेस्ट पौधा है जी। लोग अभी सबसे ज्यादा इसी को लगा रहे जी, शिव जी को प्रश्न करने के लिए। क्या बात, तो किस तरह की साइज का पौधा होना चाहिए, कहाँ घर में इसको लगाया जाना चाहिए? सीधे हाथ पे लगाया जाता है और हाइट इसकी 1 से 1.5 फीट होती है। सीधे हाथ मतलब दाएं हाथ की तरफ, घर से दाएं हाथ की तरफ होना चाहिए, आपके दरवाजे से दाएं हाथ की तरफ होते हैं। शिव जी को प्रिय ये पौधा है और शमी पत्र की जैसे कि पूजा भी होती है, लेकिन आपके घर के जो ठीक दरवाजे की तरफ का जो एरिया है उसमें दाएं हाथ की तरफ इस पौधे को लगाया जाना चाहिए। आगे और जानते हैं, अब इस पौधे की जो वर्थ है, किस तरह से इसको धूप छाया क्या ये इसका नहीं चलता है, इसके अलावा कहीं नहीं चलेगा, धूप के अलावा कहीं नहीं चलेगा, धूप पूरी मिलनी चाहिए, पूरी मिलनी चाहिए ठीक है। अब आप आगे बात बढ़ाएं, इसके अलावा बरसात का जो सीज़न है उसमें किस किस तरह के फलदार पौधे फूलदार पौधे हैं? फलदार में तो आपके है ना एप्पल है, नाशपाती है, आड़ू है, कीवी है, लूनी है, आलू बुखारा है, उसके अलावा कई सारे फ्रूट प्लांट्स हैं जो हमारे यहाँ मिल जाएंगे आपको जी। अच्छा, ये नर्सरी में इस बार पिछले कुछ सालों की बजाय थोड़ा सा क्रेज़ देखने को मिला है या क्या कुछ लग रहा है, कितना कुछ बदला है माहौल? साल थोड़ा सा क्रेज़ कम है। क्या कारण है? बारिश नहीं हो रही है उदयपुर में इस कारण से। अगर बारिश पूरी हो तो क्रेज़ फुल है। जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें भी थोड़ा सा ढीलापन है। अच्छा, तो उसके अलावा हम बात करते हैं तो और फलदार पौधों में क्या क्या हो सकता है? फलदार में आपके बहुत सारे हैं, बोरछली है, उसके अलावा चीकू है, नाशपाती है, नारंगी है, जैक फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट है, कटहल है, ये सारे हैं। कौन से साइज़ के पौधे लगने चाहिए, एक ये भी आप दर्शकों को बताएं। ये सिर्फ 2 से 2.5 फीट का पौधा लगना चाहिए, उसमें ग्रोथ फास्ट होती है, ज़्यादा बड़ा लगाएंगे उसमें ग्रोथ कम रहती है। अच्छा, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो फूलदार फलदार पौधे गमले में लगाए जाते हैं, लेकिन गमले की साइज़ भी कई बार डिसाइड नहीं होती है, तो पौधे फ्रूट वाले प्लांट्स ओनली फॉर ज़मीन में लगाएंगे तो ग्रोथ फास्ट होगी, उसमें चलने में आसानी रहेगी। गमले में लगाते हैं उसको
टाइम पे रेट चाहिए, उसको 2 ईयर्स चाहिए तैयार होने में, पूरा कंप्लीट होने में, फ्रूटिंग में। उसके लिए बिग साइज का पॉट चाहिए, कम से कम 24 इंची का पॉट चाहिए, 18 इंची का पॉट चाहिए जी। अच्छा, कितनी अवेयरनेस अभी लोगों में आई है प्लांटेशन के प्रति? 75% काफ़ी अवेयर हो आफ्टर कोविड तो काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब ये भी बता दीजिएगा, घरों को सुंदर बनाने के लिए भी कुछ इस तरह के पौधे लगाए जा रहे हैं जिसमें आपके पास में कई तरह के ये? अभी तो सबसे बेस्ट है, लोग हैं ना, ज़मीनें रही नहीं है जी, फ्लैटों में लगाते हैं, थोड़े बहुत गमलों में भी लगाते हैं। और उसमें क्या है, आपके क्रोटोन्स है, टेबल पाम है, ड्रेसिना है, एरिका पाम है, ये सारे उसी के अंदर लगा घर के अंदर जी। बरसात में ऐसा माना जाता है कि किसी भी पौधे को पानी पर्याप्त मिल जाता है, बोल जल्दी वो ग्रोथ पकड़ लेता है, खराब भी होता है लेकिन ग्रोथ पकड़ता है। तो ऐसे में जो बरसात का जो ये सीज़न है, इसमें मोस्टली किन किन पौधों के प्रति ध्यान रख के उनको लगाया जाना है? जैसा आप खुद ही कह रहे हैं कि ख़राब हो जाते हैं, तो कौन से पौधे हैं, किस समय तक के लिए, कितना? ओवर वाटरिंग होती है उससे प्लांट्स पीले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। कम पानी चाहिए उनको, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। जो नेचुरल कुदरती पानी है वो तो सबसे बेस्ट है। जो अपन आजकल पानी भी चेंज हो चुके हैं, कोई आरओ का डालता है, कोई मिनरल वाटर डालता है, सब अलग अलग पानी डालता है जी। किसी भी प्लांट को, किसी को मिनरल वाटर चाहिए, किसी को सादा पानी चाहिए, उस पर भी डिपेंड कर जी जी, ग्रोथ उसी के हिसाब से, उसी के हिसाब से होता है जी। अब ये बताइएगा, जैसे हम विभिन्न तरह की मुहिम देखते हैं हमारे समाज में, अभी हम बहुत बड़े चैलेंजेस हम देख रहे हैं, जैसा कि इस साल की गर्मी ने सभी को ये सोचने पर मजबूर किया है कि आने वाले सालों में गर्मी और बढ़ने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो दे ज़रूर लगाएं। लेकिन आप देखिए कि ये मुहिम कहीं एक कागजी ना हो जाए, यानी कि मुहिम तो चलाई जाती है लेकिन सिर्फ उस मुहिम पर पूरा अमल नहीं किया जाता है। तो क्या होना चाहिए? 50% अमल ही हो रहा है अभी जी। मैं चाहता हूँ कि हर बंदा एक एक घर में एक एक पेड़ लगाए तो ये मुहिम पूरी हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं लगाता है, उसमें से 50% ही लगाते हैं। किस तरह की अवेयरनेस आपके यहाँ पे हम समझ सकते हैं प्रैक्टिकल के तौर पे? अगर लोग आते हैं तो क्या क्या बातें आपसे कहते हैं, क्या आप फील कर पाते हैं लोगों की, क्या मतलब मन को आप पढ़ पाते हैं, कितना उनमें कुछ बदलाव देखा जाता है? कुछ इस तरह की है कि कुछ लोग बोलते हैं कि प्लांट चलते चलते मर जाता है, कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा चल रहा है। सब तरह की दुनिया है, सब तरह की सीखनी पड़ती है, सब तरह का बोलना पड़ता है जी। अब आते हैं हम ये प्लांट के साथ साथ में वो प्लांट जो रोज़गार की दृष्टि से भी अहम माने जा रहे हैं, आजकल लोग इसमें भी अपने रोज़गार को तलाशने लगे हैं, क्या कहते हैं? सबसे पहले नर्सरी किस तरह का ऑप्शन है युवाओं के लिए? युवाओं के लिए बेस्ट है लेकिन इसमें मेहनत बहुत है, लेकिन जो आज की जनरेशन है वो मेहनत करना नहीं चाहती है, बैठे बैठे है उनको फ्रूट वगैरह जो भी चाहिए सब तुरंत ही चाहिए जी। इसमें तो टाइम लगता है जी, सक्सेस पाने के लिए टाइम तो करना पड़ेगा, स्ट्रगल। देखिए हरपाल सिंह जी, देखिए स्वर्गीय हरपाल सिंह जी, यानी कि कोरोना के ठीक बाद आपका निधन हो गया था, लेकिन अरविंद और आपके छोटे भाई और आपके परिवार के ताऊजी और सभी लोग जॉइंट फैमिली के साथ में इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी बात ये है कि उदयपुर शहर में हम लोग तो आज प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, ये लोग जन जन तक किस तरह से प्लांटेशन की भावना बनी रहे इसके लिए सालों से प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि इस नर्सरी में मैं भी कई सालों से आ रहा हूँ, यहाँ जो लोगों की मेंटेलिटी है वो इस बात से ही देखी जा सकती है कि कहीं कहीं उनको प्लांटेशन करना चाहिए, लेकिन कुछ मुश्किलें भी है, जैसा कि ज़मीन रही नहीं है। पौधे लगाए तो जाते हैं लेकिन पौधे बड़े आसानी से काट दिए जाते हैं, अरविंद से ये बात भी जान लेते हैं। आप पौधा लगाने की बात कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी तो मौके से बैठे हुए कागज़ पर साइन कर देते हैं, कई बार जो घटनास्थल है या मौका है उसका पूरा मौका मुआयना किया नहीं जाता है, ऐसे में एक पेड़ की बलि आराम से हो जाती है, हो जाते है। क्या कहते हैं आप? वो अच्छा नहीं है, अगर आप प्लांटेशन कट कर रहे हो तो उसी जगह आपको दूसरा प्लांट ट्रांसफ़र करना चाहिए, अगर आप नहीं करते तो आने वाले टाइम में आप उसी के वो। लेकिन कोई व्यक्ति आपको बताता है कि मेरी ये मजबूरी है, उसको फिजिकली देखा नहीं जाता है, परखा नहीं जाता है और सीधा आदेश जारी कर दिया जाता है, ऐसे में कई बार गलत पौधे कर जाते हैं, प्लांट कर जाते हैं, क्या कहते हैं आप? लापरवाही आती है, लापरवाही जी। दोस्तों इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हाथीपोले एरिया में एक पौधा जिसको काटना था वह न कट के दूसरा पौधा कट गया, यानी कि सरकारी आदेश ऐसे हुए कि
जिस पौधे को कटने के लिए, यानी कि वहाँ पर जो फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, फिजिकल जो मौका मुआयना जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। चुनौतियाँ लाख है, फिर भी आप पिताजी के इस बिजनेस को आप पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। कितनी पीढ़ी के लोग अभी इसमें जुड़े हुए हैं? अभी दो पीढ़ी के लोग। कैसा लगता है इस काम को करके? स्ट्रगल तो है, टाइम तो लगता है हर चीज़ में जी। फादर जाने के बाद में स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ रहा है जी, लेकिन खुशी इस बात की है कि समाज को अच्छा मैसेज। हाँ, खुशी बात की है कि मैं इस धंधे में एक्सपर्ट हो जाऊँ। जी। अब थोड़ा सा इन तरफ वापस पौधे की बात करते हैं। घर की खूबसूरती पौधे के बिना अधूरी लगती है, बिल्कुल। ऐसे में घरों में लगने वाले क्या क्या पौधे और किस टाइम पे ज़्यादा लगने चाहिए? बारिश के टाइम पे सबसे ज़्यादा पौधे लगने चाहिए, उससे है ना वातावरण शुद्ध होगा और सबसे बेस्ट जी। और मेंटेनेंस की बात आती है, लोग शौक के तौर पे तो लगा देते हैं। आज के टाइम में क्या हो गया, किसी के पास में टाइम नहीं है, पैसा सबके पास है, टाइम किसी के पास नहीं। पेड़ को लगा तो हर कोई सकता है, लेकिन उसको पालना बड़ा मुश्किल का काम है। आप शॉप से ख़रीद के लेके जाते हो, चार दिन आपने उसकी सेवा की, पांचवें दिन भूल जाते हैं उस प्लांट को क्या रिक्वायरमेंट है, खाद की ज़रूरत है कि पानी की ज़रूरत है, कोई ध्यान नहीं देता। मरने के बाद में फिर वापस नर्सरी वालों को ही बोलते हैं कि ये आप प्लांट मर गए, आप उसकी केयर नहीं करोगे, ले जाने से क्या फ़ायदा, ये तो आप उसको मार रहे हो ना, नया जीवन दान तो दे ही नहीं रहे। एक पौधे को बड़ा करने के लिए कम से कम 5 साल चाहिए जी, लोग उसको कर ही नहीं रहे तो फिर क्या मतलब। जो वक्त है वो देना चाहिए, वक्त देना चाहिए जी। और इसके अलावा चुनौतियाँ ये भी है कि हम पौधे तो खरीद रहे हैं, लेकिन उन पौधों को जो मैसेज हैं जनता तक जो देना चाहिए वो मैसेज हम नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहते हैं? जनता को हर पौधा, एक पौधा तो लगाना ही चाहिए, उससे आने वाले फ्यूचर के लिए बेस्ट है। अगर नहीं लगाते तो ये अपनी समस्या, क्योंकि आने वाले टाइम में इन फ्यूचर प्लांट ही अपन को ऑक्सीजन देंगे। अच्छा, जैसा आप कहते हैं प्लांट शिफ्टिंग का भी ये कभी ट्रेंड चला है, हम कई बार देख रहे हैं, और इसमें काफ़ी बड़े पौधे जो होते हैं वो लाखों लोगों को ऑक्सीजन के ज़रिए बचाते हैं, इसका क्या कहते हैं आप? वो सिर्फ इंडिया से बाहर है, उदयपुर में ये अभी आया ही नहीं, क्रेज हुआ ही नहीं जी। बड़े प्लांट्स को उखाड़ तो बहुत आसानी से देते हैं, लेकिन लगाया बिल्कुल नहीं जाता जी। ये पौधे उखाड़ने की, लगाने की, काटने की ये बातें चल रही थी, इसमें ये भी कहते हैं कि आपको लगता है कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी और जो हमारे सिस्टम है उसको भी कहीं ना कहीं अब सोचने की ज़रूरत लगती है कि हम फिज़िकल फिटनेस करें, हम मौका मुआयना करें, हम कोशिश करें कि वो पौधा कटे ही नहीं, ऐसी सौगंध खा लें। पर ऐसा कोई नहीं चाहता, सबको सिर्फ ऑर्डर पास हुआ, बस कटने ही हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर 2-10 लोग भी खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे ना सर इस पेड़ को नहीं काटना है, बोलेंगे तो ये तो रोड में आ रहा है, इसको तो काटना ही काटना है, ये तो फिर बोलेंगे ये आपके फ़ायदे के लिए ही है, रोड चौड़ा हो जाएगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, 10 बातें होती जी। पर ये मेरा मानने का है कि है ना, एक पौधा कट रहा है तो उसकी जगह 2 पौधे लगाने जरूरी है। लेकिन एक पौधा माना कि 100 साल का है और एक पौधा आपका 1 साल का है, और आपने गलती से उस पौधे को काटने का आदेश दे दिया है, आप 100 साल तक उस पौधे को बड़ा करोगे, तब तक तो पर्यावरण आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। आज एक पौधा कितना भी अपन 100 साल पुराना पौधा होता है, उसको कवर करने के लिए भी स्पीड में करेंगे तो 15-20 साल जाएंगे, जब तक अपना हिंदुस्तान बचेगा क्या जी। अब आजकल वातावरण में कितने चेंजेस हो गए जी, ये प्लांटेशन की वजह से जी। प्लांटेशन कम होते जा रहे हैं, लोग काटते जा रहे हैं, पहाड़ियों को काटते जा रहे हैं। इस साल कितनी गर्मी थी जी, 45-47, इससे गर्मियों में बहुत नुकसान हुआ प्लांटेशनों में। अभी जो बारिश आ रही है, कई जगह देख रहे हैं बाढ़ आ रही हैं, उससे प्लांटेशनों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि है ना सब लोग एक एक प्लांटेशन लगाएं और फ्यूचर को आगे ग्रो करें जी। अच्छा, इसमें एक हम ये आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जो आप प्लांटेशन और इसको नर्सरी जो सेक्टर है इसको बढ़ावा तो दे रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ जैसे अभी महंगाई भी बढ़ी है, मेंटेनेंस भी बढ़ा है, तो लेबर भी बढ़ी है, तो ऑल ओवर क्या इसमें कुछ नेगोशिएट होना चाहिए, समय समय पर कुछ सरकार के द्वारा रियायत मिलनी चाहिए, क्या कुछ नहीं होता है? रॉ मटेरियल जो भी कुछ आपके इसके कुछ आते हैं उसमें भी कुछ
आज मेरा मानना है कि 4 महीने से है ना सोइल बंद है उदयपुर में, क्योंकि पहाड़ी का अनंत कटना बंद हो गई, वहाँ से जो सोइल निकलती थी तो प्लांटेशन के लिए वो काम में आ ही नहीं रही। अच्छा, तो इस वजह से है ना थोड़े से प्रोडक्शन में भी है ना थोड़ी कमी आई है इस बार। आप जिस तरह से अवेयरनेस देख रहे हैं गांव और शहर में भी, हम क्या फर्क महसूस कर रहे हैं पौधे लगाने का? आज के टाइम में सेम हो गए। अरविंद हमारे साथ जुड़े और अरविंद ने हमें कई बातें बताई। हालांकि ये जो सेक्टर है अब काफ़ी चुनौतियों वाला है, लेकिन देरी के साथ इसमें आगे बढ़ा जाए तो आपके लिए आने वाले समय में यह एक रोजगार का अहम साधन हो सकता है। बारिश का ये विशेष, अभी जो वर्षा काल का जो विशेष सीजन चल रहा है, इसमें कौन से पौधे आपको लगाने चाहिए, फलदार पौधे क्या होने चाहिए, फूलदार पौधे क्या होने चाहिए, खासकर छायादार वृक्षों के लिए भी पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन बरसात में जो पौधे ख़राब होते हैं, अरविंद के बात को ध्यान में रखते हुए उन पौधों को कम पानी, यानी कि जब बरसात का दौर थोड़ा कम हो रहा हो उस समय उसको लगाना ठीक होता है। हालांकि उदयपुर में इस बार बारिश का दौर कम है, पिछले सालों में भी हम देखें तो बरसात का जो दौर है वो लगातार कम ज़्यादा देखा गया, लेकिन इसमें जो प्लांटेशन की मुहिम सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रयास करना चाहिए और एक पौधा तो हर व्यक्ति को लगाना ही चाहिए। जैसा कि राष्ट्र न्यूज़ की मुहिम है बगिया के फूल, आप इस मुहिम से भी जुड़ सकते हैं। अमर बेल हमारी जो मुहिम है उसमें भी हम ये प्रयास करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विशेष दिन यदि मंदिर जा रहा है तो भगवान को प्रसाद के साथ साथ में पौधे ज़रूर अर्पित करें। ये पौधे आपके लिए महाप्रसाद भी हो सकता है और ये पौधे आपके पर्यावरण को बनाए रखने के लिए भी अहम बात हो सकती है। लेकिन अरविंद ने जैसा बताया कि रोज़गार को लेकर के चुनौतियां तो हैं, लेकिन इस नर्सरी में आने के बाद आप विभिन्न तरह के पौधे खरीद सकते हैं और ये पौधे आपके घर की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। और कुछ जनता के लिए मैसेज हो तो बता दीजिएगा। मेरा तो मानना है प्लांटेशन बढ़ाओ, प्रकृति को बढ़ाओ, सबसे बेस्ट है आज के टाइम में। और कुछ तो अरविंद का यही मैसेज है, पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और यदि प्रकृति हरी भरी रहेगी तो आपको जो लाख चुनौतियों का सामना अभी से करना पड़ रहा है इससे भी बचा जा सकेगा और आने वाले साल में प्रकृति को भी हम हरा भरा महसूस कर सकेंगे, हरा भरा बना सकेंगे। राष्ट्रीय उसकी मुहिम है, लेकिन आपका क्या सोचना है, आप इस मुहिम को लेकर क्या सोचते हैं, एक पौधा जो हर व्यक्ति के द्वारा लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए उसके बारे में क्या कहते हैं? लेकिन कोई भी पौधा तुरंत प्रभाव से काट दिया जाता है, ऐसे में उस पौधे को बचाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए ये भी हमें समय समय पर एफर्ट लगाने चाहिए। इसी तरह से हम आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन आप इस पूरी मुहिम को लेकर के क्या सोचते हैं इस चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आज आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों एक नए कंटेंट के साथ फिर जुड़ेंगे, लेकिन चैनल के कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ज़रूर करिए। और जैसा कि अरविंद ने कहा है कि हर व्यक्ति को पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं इस साल एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। और जैसा कि सरकार की तरफ से एक मुहिम है धरती को हरा भरा रखने के लिए, एक पौधा माँ के नाम ज़रूर लगाया जाए। अभी भी आपने पौधा नहीं लगाया है तो नर्सरी में ज़रूर आइए, अपने मनपसंद पौधे को सेलेक्ट कीजिए और धरती माँ को इसी वर्षा काल में पौधा ज़रूर समर्पित करिए। एक नए कंटेंट के साथ मुलाकात होगी आपसे।